गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिन की शुरुआत इस खूबसूरत माउंटेन के साथ, और इस टाइम जैसे कि आपको पता है हम हैं सोनमार्ग कश्मीर में, तो रेडी हो गए हैं, नहा लिए हैं, अब निकल रहे हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, टाइम 9 बज रहे हैं सुबह के, ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद निकलेंगे आज की अगली डेस्टिनेशन पे। वो आपसे शेयर करता हूँ मैं, क्योंकि दो तीन जगह हमने सोच रखी हैं, जो भी होगा डिसाइड वो आपको बताएंगे और आपको लेके चलेंगे इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह पे। एक बार फिर से ज़रा इस पे नज़र मारें, जस्ट चेक इट। और गाइज आ गए थे, ऊपर हमारा रूम था, नीचे आए हैं, इनका ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। बैठने के लिए जगह नहीं है, थोड़ी सी भी। तो हमने क्या किया, ऑर्डर कर दिया काउंटर पे, प्लेट्स में डलवाएंगे और सीधा ही ऊपर ले जाएंगे। इसका कारण है ये, देखो ये सुबह का टाइम है यार, 9 बजे का, बैठने तक की जगह नहीं है, कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे ही आता है ऑर्डर और चलते हैं अपना खाना लेके रूम में और करते हैं फिर उसको एंजॉय। राधे राधे राधे। सो गाइज आफ्टर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, अ डिलीशियस वन, वो है सामने हमारा, यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस डोगरा वैष्णो भोजनालय है इन द सोनमार्ग कश्मीर, और ये देखो बैक साइड पे उसकी लोकेशन। और भी हैं काफी रेस्टोरेंट्स, पर जो रश इस वाले ढाबे पे है वो इस करके है कि जो अंदर सर्विस है और जो क्वालिटी ऑफ फूड है डेट इज अमेजिंग। तो अभी गाड़ी में सामान रख लिया है, लक्की और अंकुश उधर वेट कर रहे हैं, वो अपना लगेज ला रहे हैं, रखेंगे गाड़ी में, और गाड़ी को कर दिया है कोल्ड स्टार्ट। और उसके बाद जैसे ही वो आते हैं सामान रखेंगे और करते हैं कंटिन्यू आज की अपनी अगली जर्नी, जो कि है बालटाल। बहुत ही फेमस एक प्लेस है सोनमार्ग से आगे टुवर्ड्स ले, बालटाल जगह का नाम है, वहाँ चल रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद सीधा फिर निकलेंगे बालटाल से टुवर्ड्स गुलमार्ग कश्मीर में। तो चलिए करते हैं आज की इस जर्नी को शुरू। और गाइज जो यहाँ से अभी बालटाल का रास्ता रह गया है डेट इज 5 किलोमीटर्स अवे, पर मुझे लगा था जो सोनमार्ग में ब्यूटी है डेट इज द मोस्ट फेमस, लेकिन भैया सोनमार्ग से आगे निकले हैं टुवर्ड्स बालटाल, तो आपके सामने ही है, अब बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। दी बेस्ट, ऐसा व्यू मैंने नहीं देखा भाई पहले कभी भी। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं बस ऐसा लग रहा है कि यही बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पर जैसे ही अगला टर्न आता है कोई, मतलब 2-4-5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के बाद, भैया जो पिछला होता है वो भूल जाता है और ये वाली सीनरी दोबारा से फिर से माइंड में सेट हो जाती है, एंड अगेन वही फिर से रिपीट। अब आपके सामने है ये व्यू, तो चेक करो, ये सोनमार्ग में भी नहीं था ऐसा व्यू, अनबिलीवेबल, ऑसम। तो चलते हैं बालटाल और पहुंच के देखते हैं वहां का क्या लैंडस्केप है, कैसे व्यूज हैं वहां के, फिर वो करते हैं आपसे भी शेयर। तो गाइज पहुंच गए हम बालटाल, चलिए दिखाते हैं आपको भी कि कैसा व्यू है यहां का, क्यों है ये फेमस इतना स्पॉट। वो देखो हमारी तरह और भी यहां टूरिस्ट हैं जो यहां रुके हैं और कर रहे हैं एंजॉय। यह है नीचे आर्मी का बेस कैंप बालटाल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस ये आता है जब हम जाते हैं टुवर्ड्स ले, ये ले वाला रोड है और इस तरफ है ये बालटाल, आर्मी वालों का है कैंप, मतलब मेन यहाँ पर जो भी इनका सामान है या कुछ भी, बड़े बड़े अफसर जो आर्मी के हैं वो यहीं रहते हैं और उन्हीं के नीचे टेंट्स दिख रहे हैं, इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। एस्टिमेट लगाओ कि हम कितनी हाइट पे होंगे, ये जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं ये सारे टेंट्स हैं आर्मी वालों के, और हम हैं इस टाइम ऊपर रोड पे, हम तो हाइट पे हैं ही हैं भैया। और बैक साइड देखो, उससे ऊपर वाली चोटी कितनी ऊपर है और उधर सामने वाली भी, अनबिलीवेबल, द मोस्ट ऑसम प्लेस बालटाल। हाँ जी कैसा लग रहा है, ऑसम ऑसम व्यू। और देखो हमारे अंकुश जी भी अंदर से प्रॉपर सनरूफ का फायदा उठाते हुए। और गाइज ये देखो बालटाल जैसे ही पहुंचे और आर्मी वालों की आवाजाही होगी शुरू, हेलीकॉप्टर्स किस तरह से जा रहे हैं पता नहीं भैया कहाँ जा रहे हैं ये, लेकिन ये देख लो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, ये तो मैं जूम कर रहा हूँ, लेकिन जब ये इस तरफ आया बहुत क्लोज गया यहाँ से, ऑसम।
और गाइस बालटाल से निकल आए थे हम, ऑलमोस्ट 1.5 आवर हो चुका है, तो चल रहे हैं टुवर्ड्स गुलमर्ग। तो मैंने कहा थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह पीते हैं। और देखो वहाँ से अब यहाँ आए हैं तो लैंडस्केप देखो कितना चेंज है, बालटाल का कैसा था और ये अब टुवर्ड्स हम जा रहे हैं गुलमर्ग, वहाँ का कैसा है, टोटली चेंज है भाई। थोड़ी थोड़ी देर बाद ही थोड़ी सी करते हैं रेस्ट 5-10 मिनट की और फिर उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट टू गुलमर्ग। अभी भी यहाँ से लगभग 2.5 आवर्स लगेंगे मिनिमम, क्योंकि क्राउड भी बहुत है। ये देखो रोड चल रहा है, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं है, ट्रैफिक है, टूरिस्ट हैं, प्लस वाया श्रीनगर जाना पड़ता है, तो श्रीनगर सिटी के अंदर भी जाएंगे या पता नहीं बाहर से होगा कोई ना कोई रास्ता, ट्रैफिक होगा, मैंने गूगल मैप पे चेक किया तो अभी भी मोर देन 2.5 आवर्स बता रहा है। तो कोई नहीं, चलते हैं धीरे धीरे, टाइम ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ जाके भी। गुलमर्ग आज की हमारी डेस्टिनेशन, तो मिलता हूँ आपसे मैं वहीं जाके गुलमर्ग, अगर इन बिटवीन कुछ अच्छा लोकेशन आया तो वहाँ जरूर शूट करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। और ये देखो ये हमारे बॉलीवुड के नए आने वाले सुपरस्टार। और गाइस ये आ गया गेटवे टू गुलमर्ग, एंट्री ले रहे हैं हम अपने गुलमर्ग में, अपना ही है भाई जब घूमने आए हैं तो। हार्डली यहाँ से होगा अप्रॉक्सीमेटली कोई 35 या 40 किलोमीटर्स, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। द टाइमिंग इज़ ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, तो होपफुली 3 बजे तक पहुँचेंगे गुलमर्ग। अब गाड़ी रोकेंगे नहीं कहीं भी क्योंकि बहुत स्टॉपेज लिए हमने सुबह से, बालटाल से चले थे और गुलमर्ग की तरफ, अब डायरेक्टली जाके जो हम रुकेंगे सीधा गुलमर्ग में, लंच भी जो करेंगे जाके वहीं करेंगे। अगर रास्ते में रुकते हैं तो फिर भैया 3 बजे नहीं फिर 4 बजे पहुंच पाएंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे। तो चलते हैं डायरेक्ट अब गुलमर्ग। तो गाइज जो अभी आपने ये वीडियो देखा सनरूफ से बाहर से हमने शूट किया, लक्की ने करा ये शूट वीडियो, तो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं गुलमर्ग। और जो रास्ता है ना भाई बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, मतलब कुछ भी विजिबल नहीं है प्रॉपर, लेकिन रोड्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और जो व्यू है प्लस जो वेलकम हुआ हमारा गुलमर्ग में वो हुआ बारिश के साथ, हल्की 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 बारिश भी हो गई है शुरू, और बाकी रोड आपके सामने है, इसको तो इंजॉय कर रहे हैं प्रॉपर, पता चल रहा है कि भैया कश्मीर में आए हैं। सोनबाग अपनी जगह, गुलमर्ग अपनी जगह। और रोड्स देख लो ऐसे ही, मतलब टर्न वाइज टर्न करते 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 बहुत हाइट पे है जाके गुलमर्ग। और बारिश हो गई अब और तेज। फाइनली गाइज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और वो देखो पहली झलक गुलमर्ग की, इतना ऊपर हाइट पे आके और सडनली एकदम से प्लेन आ गया ऊपर ग्राउंड। सो देखते हैं अभी, सबसे पहला टास्क एज यूजुअल भैया होटल देखना पड़ेगा स्टे के लिए, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम है, उसके बाद करेंगे इसको हम प्रॉपरली एक्सप्लोर। सो गाइस गाड़ी कर दी हमने पार्क अपनी और पहुंच गए यहां पर गुलमर्ग में। और ये टोटल जितना एरिया आपको दिख रहा है 5-6 पॉइंट है यहां बता रहे हैं, तो करेंगे उसको भी एक्सप्लोर और देखते हैं हॉर्स राइडिंग का क्या मांगते हैं, क्योंकि 5-6 जो ये पॉइंट बताए गए हैं ये बहुत दूर दूर के हैं, तो सबसे बड़ी बात कभी हाइट है कभी उतराई है, तो जो भी बनेगा हाउस ये हॉर्स वालों से करेंगे बात। ये भैया आए हैं बता रहे हैं हमें, पर प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि हमें चाहिए 3 हॉर्सेस, तो देखते हैं किसके साथ डील होती है, उसके बाद करते हैं इसको एक्सप्लोर जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल ये है मोस्ट फेमस प्लेस इन गुलमर्ग, यहाँ फोटोशूट करवाते हैं सारे अपना अपना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਈ ਆ ਨਾ।
लेकिन गाइज उससे पहले हॉर्स राइडिंग तो चलो होती रहेगी, बहुत सी यहाँ पे चॉइसेस हैं, बहुत घोड़े हैं, लेकिन जो मेन है ठहरना कहाँ है, रात कहाँ स्पेंड करनी है, तो चलते हैं देखते हैं रूम मिलता है नहीं मिलता है। भाई साहब ने बताया तो है कि इसकी बैक साइड पे है एक रूम, तो देखते हैं मिलता है नहीं, ये वाला होटल बताया है, होप फॉर द बेस्ट रूम मिल जाए बस, एक बार रुकने वाली टेंशन हमारी हो जाए ख़त्म, फिर हम फ्री होके माइंड फ्री हो जाएगा और फिर करेंगे इसको टोटल एक्सप्लोर। एंड द व्यू फ्रॉम दिस होटल ये देखो ऑसम, फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। सो गाइस भैया मिल गए हैं हमें और चलते हैं अभी टुवर्ड्स रूम, देखते हैं कौन सा रूम है कैसा रूम है। होटल तो बहुत अच्छा है भाई, अंधेरा हो रहा है लेकिन लाइट्स ऑन नहीं है। So, इस तरफ है रूम, सॉफ्ट मिलेगा ये वाला देखने डिनर वाला व्यू कैसा है यहाँ मेन बाहर, ये देखने वाली बात। ओके पार्किंग भी सामने है, गाड़ी सामने लगी है और रूम भी है, व्यू भी अच्छा है, रूम भी डिसेंट है। एंड वॉशरूम, और इस साइड है इसका वॉशरूम, ठीक है। रूम में आ गया पसंद, होटल बहुत अच्छा है, भैया ने बहुत अच्छा गाइड किया है। तो अभी करते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, अपना एंट्री करनी पड़ती है, कौन कौन है कहाँ से आए हैं तो वो करते हैं, रूम बहुत अच्छा है और सब। इसके बाद रूम फाइनल करके निकलेंगे हम बाहर, तो करेंगे आज का गुलमोहर एक्सप्लोर। तो गाइस हो गया फ्री, जो टेंशन थी होगी ख़त्म भाई, रूम हो गया, लगेज वगैरह रख दिया हमने, लॉक लगा के चाबी ले ली है, अब चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। भूख भी लग रही है भाई, सुबह खाना खाया था, 3:30 का टाइम हो गया है, तो चलते हैं अब करते हैं टोटली गुलमर्ग कश्मीर को एक्सप्लोर। सो गाइस उससे पहले हॉर्स राइडिंग एक्सप्लोर वगैरह करने से पहले लग पड़ी भाई भूख, हम आ गए यहाँ पर, तो ये मेन्यू है इनका वाइट माउंटेन कैफे, ऑर्डर कर दिया हमने, दुनिया भर की चीज़ें पहले देख ली और लास्ट में ऑर्डर किया है मसाला मैगी का, क्योंकि 2-3 दिन से हमने मैगी नहीं खाई, पहाड़ों में आके सबसे पहले लोग खाते हैं मैगी, तो मसाला मैगी का ऑर्डर दिया है, आती है करेंगे टेस्ट कैसी है, पेट भरता है नहीं भरता है, नहीं तो कुछ और ऑर्डर करेंगे और उसके बाद फिर निकलते हैं घूमने फिरने। और ये देखो आते ही दोनों जने अपने अपने फ़ोन पर हो गए बिज़ी, कोई रील पे कोई फेसबुक पे, गुलमर्ग कश्मीर में आके भी इनको फ़ोन नहीं छोड़ रहा। चलो लो जी भैया हमारे ले आए हैं हमारे लिए मसाला मैगी, लेकिन भाई वो क्वांटिटी देख के तो नहीं लग रहा कि पेट भरेगा। हाँ भाई मसाला क्वांटिटी है, अरे मसाला तो प्लेन मैगी क्या है, यही मसाला है भाई, अब कश्मीर का मसाला है इसमें, टेस्ट टेस्ट कश्मीर का है कि घर वाला ही टेस्ट है, टेस्ट A1 टेस्ट, फ्रेगनेंस यहां का आ रही है, अंकुश दा मुंह कुछ और ही बोलता गया। चलो ठीक। सो गाइस भैया हमारा वेट ही कर रहे थे बाहर और उन्होंने मना ही दिया हमें, तो 3 हॉर्सेस हमने हायर कर लिए, 5 जगह घुमाएंगे हमें ये, तो देखते हैं कहाँ कहाँ हमें घुमाते हैं, पर डर ये है कि ऊपर बादल देख लो, बारिश हुई तो गीले हो जाएंगे, ऊपर से ठंड भी है यहाँ, तो देखते हैं जो भी होगा, लेकिन मज़ा बहुत आएगा भाई, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो चलते हैं हॉर्स राइडिंग पर, करते हैं यहाँ के नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर। ये सामने वाला कौन सा गाना, कौन सा गाना, शिव जी का मंदिर, गाना कौन सा था, राजेश खन्ना ममता जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर आगे नाम का लिया। भाई ये देखो मजा आ रहा है खूब, नकी हो लेकिन भाई के साथ नकी पहले करो, अच्छा लेकिन जो हमारा पीछे भाई है वो आपको दिख रहा होगा, वो देखो वो कैसे डर के उसने एक हेल्पर भी साथ में ले लिया भाई, और इधर हाथ छोड़ के एक हाथ से शूट कर रहा हूँ, एक हाथ से ये है और साथ में अंकुश भी है, उसको भी डर नहीं लगा, लेकिन इसका देखो हमारे भाई का डर है, इसको पता नहीं किस चीज का, हट जाएगा थोड़ी देर क्योंकि 2-2.5 घंटे का है ये। देन व्हाट इज इट, हेलो भाई देखिए जरा को जो ये भैया अभी गाना गा रहे थे वो ये वाला है मंदिर, यहाँ हुई है शुक्र, इसको इधर रखो ना, अच्छा इसको पकड़ना है ना, पकड़ो ये देखो वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग ऑन हॉर्स राइडिंग,
यहाँ पर आके थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन चलो गिरते नहीं है, अच्छे से पकड़ा है मैंने। लेकिन यार व्यू बहुत अच्छा है ये, हम मतलब पैदल नहीं आ सकते थे यहाँ, गाड़ी बहुत दूर है यहाँ से जहाँ वो पेड़ दिख रहे हैं आपको। तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए हमें यहाँ हॉर्स हायर करना ही पड़ना था, और अभी जाएंगे हम वो ऊपर हाइट पे। हाँ जी बना रहे हैं भैया, शूट कर रहे हैं। तो हमारा घोड़ा चलता है भाई खुद। भैया क्या नाम है इसका? सोनू। और इसका मोनू। नाम है सोनू। इसका नाम है राजा। पिछले को बोलो राजा हिंदुस्तानी। सोनू मोनू राजा हिंदुस्तानी। मैं राजे पर बैठे आना पूरा जोर है जो यार बड़ा अंदर कौन है क्या शो ना तू ये बबू बबू साथ में ब्लू दिखाओ सारा So guys, अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, हॉर्सेस यहाँ रुक गए, उतर गए हैं हम, और इस जगह को बोलते हैं गुलमर्ग का व्यू पॉइंट। इस पॉइंट से आप पूरा गुलमर्ग यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए जो भी यहाँ पे शूटिंग की होती है बॉलीवुड मूवीज की, वो यही लोकेशन से सारी जहाँ पर ये शूटिंग चलती है। और देख लो हम कहाँ से आई हैं, जहाँ पर वो दूर आपको पेड़ दिख रहे हैं वहाँ हम गाड़ी पार्क करी है, वहाँ से आए थे। और रियली गाइस, तो ये मतलब व्यू पॉइंट है जिसका नाम रखा गया है, इसमें सही में रियलिटी है। पूरे गुलमर्ग में इस टाइम मैं देख सकता हूँ, बस ऐसे घूमो और हर तरफ यहाँ से नज़र पड़ रही है। इट्स टू ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत 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 सुंदर। सो गाइस, आफ्टर स्पेंडिंग हियर अ टाइम, अब हम चल रहे हैं महाराजा पैलेस के टूवर्ड्स। बहुत ही फेमस यहाँ पैलेस है, जब राजे महाराजे रहते थे उस टाइम का वो पैलेस है, तो वहीं चल रहे हैं। अब दोबारा से बैठते हैं अपने हॉर्स पे और चलते हैं महाराजा पैलेस, देखते हैं क्या है उसमें। वे टू महाराजा पैलेस। इस जंगल के अंदर है ना महाराजा पैलेस? चलो से जा रहे हैं। लाला भी आता है, चाचा भी आता है। सो गाइस, पहुंच गए हम महाराजा पैलेस। तो उससे पहले टिकट काउंटर है, कोई इनका टिकट लेंगे वहां से और फिर उसकी एंट्री मिलेगी अंदर जाने के लिए। चलो भैया चल रहे हैं हमारे साथ टिकट काउंटर बताने कहाँ है, किस तरफ है। और सच में बहुत ही घना जंगल है, बहुत बहुत ज़्यादा। और ये देखो मंकीज, ये है गाइस यहाँ का महाराजा पैलेस, जहाँ ये महाराजा रहते थे। देखते हैं किस तरह का है ये। तो गाइस एंट्री मिल गई है, और ये थे यहाँ के महाराजा, महाराजा हरि सिंह, महारानी श्रीमती तारा देवी, जिनका ये पैलेस था। रियली यार सच में पैलेस था ये, मतलब इस तरह की बनावट वुडन की है टोटली, ये सारी वॉल्स क्या, ऊपर का ये रूफ क्या, और इस तरह से देखो कैसे ये बेड वगैरह भी उस टाइम के रहते थे। रियली यार ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बाहर से लग रहा था कि छोटा होगा, लेकिन ये देखो आगे की तरफ और है ये कुछ, ये नीचे भी कुछ है और इस तरफ भी ये रूम्स वगैरह हैं उस टाइम के। ये देखो, और भैया लेके चल रहे हैं हमें आगे, वहाँ कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो वेपन्स होते थे वो रखे जाते हैं इस तरफ। सो देखते हैं किस तरह के। ये देखो, ये वो रूम्स हैं जहाँ वेपन होते हैं उस टाइम के महाराजा लोगों के। वाओ कारतूस, ब्यूटीफुल। ये देखो भाई तलवारें, और ये उस टाइम की वॉचेस, ब्रिलियंट ब्यूटीफुल। ये जो हम ऐसे टीवी में देखते हैं ना, वो जब लड़ाइयाँ करते हैं आगे अपना गार्ड वगैरह, ये वो चीज़ है।
और उस टाइम का जब महारानी जी तैयार होते होंगे तो ये रहा, इसमें यहाँ आगे बैठ के महारानी जो है वो तैयार होते थे। रियली ऑसम। और गाइस जो ये पैलेस है ये है लगभग 150 साल पुराना, 150 ईयर्स ओल्ड। और ये देखो बच्चा लोग कैसे किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं महाराजा के पैलेस में। बहुत ही यूनिक। अभी हम बाहर निकले। तो चलिए गाइस हो गया, विजिट कर लिया हमने प्रॉपर। बहुत अच्छा था यार, बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी चीज़ें थी जो आज के टाइम में देखने को भी नहीं मिलती हैं। सो विजिट कर लिया अब हमने यहाँ, और अभी चलेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑफिस हमारे बाहर है, वहाँ से पैदल आना पड़ता है यहाँ अंदर। तो अभी मेरे साथ के जो हैं लक्की और अंकुश, अभी तक वो तो अंदर ही हैं, पूरा कर रहे हैं एक्सप्लोर प्रॉपर तरीके से। हाँ आ रहे हैं, उनको आने दो फिर चलते हैं। तो गाइस अभी हॉर्स राइडिंग होगी कंप्लीट, फेमस जो भी स्पोर्ट थे वो कराए एक्सप्लोर, और बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बैक में पेन होना शुरू हो गया, वो घोड़े पे बैठ बैठ गया। ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगे हमें तो सारी साइट्स को कवर करने में। रियली इट वाज रियली 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 अमेजिंग। तो बहुत मज़ा आया, और इसी के साथ इस ब्लॉग का आज करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये गुलमर्ग कश्मीर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलूँगा आपसे जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन पीस।